तो देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर पंडालों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं हर साल की भांति इस श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति द्वारा अलग थीम पर पंडाल बनाया जा रहा है। पंडाल का जायजा लिया है हमारे संवाददाता रंजीत कुमार ने। नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रा का आज दूसरा दिन है। नवरात्रा में यहाँ पे कई पंडाल काफी खूबसूरत और आकर्षक पंडाल बनाए जाते हैं, जिसमें खास तौर पर कृष्णापुरी का रहता है। और इस बार श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा काफी आकर्षक और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है, और वो भी पंडाल वृंदावन के तर्ज पर, प्रेम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कोलकाता के कारीगरों के द्वारा काफी खूबसूरत तरीके से, बारीकी से ये कलाकारी की गई है। और आप प्रेम मंदिर अगर आपने वृंदावन में देखा होगा तो उसी के तर्ज पर ये कलाकारी जो किया गया है और जो काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये सारा थर्मोकोल बांस और प्लाई वुड जो है उसका उपयोग किया गया है। और यहाँ के जो श्री कृष्णा दुर्गा पूजा समिति के जो सदस्य हैं पिछले 2-3 महीने से लग जाते हैं नवरात्रा की तैयारी में, ताकि इस बार भी हर साल की भांति इस बार भी कुछ अलग थीम पर बनाया जाए। यहाँ समिति से हम इनसे भी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ के उपाध्यक्ष जो है इनसे जानते हैं कि ये बताइए कि कृष्णापुरी हर बार कुछ अलग थीम पर यहाँ पे बनाया जाता है, इस बार क्या खासियत है? इस बार समिति के सदस्य लोग गए थे वृंदावन, प्रेम मंदिर घूम के आए, तो सभी लोगों ने प्रस्ताव रखा कि इस बार प्रेम मंदिर का ही रूप दिया जाए। और कृष्णापुरी हर एक साल अलग अलग रूप दिखाने का प्रयास करती है यहाँ पर हर एक साल, और शुरुआत का 2 वर्ष को छोड़ दें तो हर एक साल हम शहर के नगर निगम हो या प्रशासन से हर एक साल प्रथम पुरस्कार हमने लिया है। 2 साल सबसे पहले 2 साल को छोड़ करके प्रत्येक वर्ष हमने प्रथम पुरस्कार पाया। चलिए अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं कि क्या खासियत जो है अन्य पंडाल से इसको अलग बनाता है, क्या रहता है? जैसे लास्ट टाइम भी फुल्ली एयर कंडीशन पंडाल कृष्णापुरी में देखा गया था, और शहर में कोई भी फुल्ली एयर कंडीशन पंडाल नहीं रहा है, एकमात्र हमारा ही पंडाल है जो फुल्ली एयर कंडीशन रहा है। और हर एक साल हम लोग कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस बार हमारे कोर कमेटी के टीम ने वृंदावन की ओर के मूव किया था, और जिसमें से प्रेम मंदिर का कॉन्सेप्ट उसी के थीम पे आधारित है। किस कारीगर के द्वारा, कहाँ के कारीगर के द्वारा ये बनाया जा रहा है? ये तो हम लोग का हर बार जो होता है वो कलकत्ता से कारीगर आते हैं, और कुछ हम लोग लोकल को भी इसमें एडिशनल जोड़ते हैं। और मूर्ति और हमारा पंडाल जो कंप्लीट है वो कलकत्ता के कारीगर आकर के यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे एक अन्य सदस्य हैं, इन लोगों से भी जानते हैं कि जब नवरात्रा आता है तो पहले कितने दिनों पहले आप लोग तैयारी हो जाता है और कितने उत्साहित रहते हैं? लगभग 4 महीना पहले से हम लोग की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। लगभग 5 महीना पहले हम लोग जाके मूर्ति का बयाना वगैरह करते हैं, पंडाल का बयाना करते हैं। ये सब सारा कार्य हमारा 4 से 5 महीना से पहले से ही स्टार्ट, प्लानिंग तो 5 महीना पहले से। चलिए अन्य सदस्य भी बात करते हैं कि इस बार प्रसाद के रूप में क्या क्या मिलने वाला है श्रद्धालुओं लोग को जो भी आएंगे यहाँ पे। जय माता दी। इस बार प्रसाद के रूप में सप्तमी जो है, अष्टमी को हमारा खीर का महाभोग लगता है, नवमी को हलवा का महाभोग लगता है, और दसवीं को टेहरी जो पिछले निरंतर सालों से चली आ रही है, इस बार भी वही प्रसाद हमारा व्यवस्था है। तो निश्चित तौर पर श्री कृष्णापुरी सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के द्वारा इस बार काफी खास और आकर्षक पंडाल बनाया गया है। यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको निश्चित तौर पर काफी पसंद आएगा। और इस बार वृंदावन के प्रेम मंदिर के तर्ज पर यह पंडाल बनाया गया जो काफी खूबसूरत देखने को मिल रहा है, और कोलकाता के कारीगरों के द्वारा ये तैयार किया गया है। और इस बार भी पूरे जितने भी कमेटी के लोग हैं सभी तन मन धन से लगे हुए हैं, ताकि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुंचे उन्हें यह पंडाल और यहाँ की प्रतिमा जो है माँ दुर्गा का अच्छा लगे। कैमरा पर्सन विनय देव के साथ रंजीत कुमार, समाचार प्लस।